हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता होम किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये है कढ़ाई पनीर की बिल्कुल ढाबे स्टाइल रेसिपी, जिसको आप घर पे मेरे इजी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आप होटल का खाना भूल जाएंगे। मेरे इजी मेथड के साथ आप बनाइए तो आपको घर में ही होटल जैसा फील होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये है कुछ कढ़ाई के मसाले जिसको हम घर पर ही रेडी करेंगे, जिसमें से हमने जावित्री 2 इंच जावित्री लिया हुआ, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच सौंफ, 3 लौंग। ये सारे मसाले मैंने लिए हुए हैं, इसको साइड में कर देंगे। और हम 2 चम्मच मैंने धनिया के बीज लिए हुए हैं जिसको हम इसके साथ ही मिक्स करके रोस्ट करेंगे। साबुत धनिया है ये फ्रेंड्स, इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये सारे मसाले हो गए। ये मैंने ग्रेवी बनाने के लिए लिया हुआ है, जिसमें से मैंने 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हुई है, 3 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिया हुआ, आप इसकी जगह हरी मिर्च ले सकते हैं, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 2 बड़े मैंने प्याज लिए हुए, ये 2 मैंने प्याज और 2 मैंने शिमला मिर्च अलग से ही स्लाइस में कट कर लिया था चौकोर चौकोर, और ये मैंने पनीर को भी चौकोर पीस में कट कर लिया हुआ था। कढ़ाई को मैंने पहले ही हीट करने के लिए रख दिया था। अब ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, अब इसको हम स्लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे 2 मिनट्स के लिए। अब इसमें धनिया मिक्स कर देंगे, स्लो फ्लेम में रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट तक फ्रेंड्स। ज़्यादा करेंगे तो इसका अरोमा निकल जाएगा तो वो टेस्ट आपका नहीं आएगा मसाले का। चलिए हमारे मसाले हो चुके हैं, इसको प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। उसके बाद हम ये मैंने पनीर लिया हुआ है, इसको सेलो फ्राई करेंगे इसी घी में, मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा अदरवाइज़ पनीर आपके जल जाएंगे। ये देखिए मैंने लाइट ब्राउन किया हुआ है हल्का सा, इससे टेस्ट इन्हेंस होकर आता है, इसलिए इसको घी में ही मैंने फ्राई किया। थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे फ्रेंड्स। फिर मैंने ये लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, मिर्ची जो मैंने सब लिए हुए थे, इसको हम डाल के अच्छे से इसको स्टेयर कर लेंगे। उसी स्टेज में हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो सके, तो मसाले पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए थोड़े से टमाटर गल गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर में। कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अगेन हम इसमें घी डालेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च को और हमने जो प्याज लिया था इसको अच्छे से सेलो फ्राई करेंगे देसी घी में, आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए सेलो फ्राई करेंगे। फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है फ्रेंड्स। जब तक ये कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, तेल गर्म हो रहा है, मसाले मेरे ठंडे हो चुके हैं, इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे। सारे मसाले एक साथ हम डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। बहुत फाइन मत करिएगा बहुत, अदरवाइज़ उसका टेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ खोल कर कि किस तरह इसको ग्राइंड करना है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब उसी जार में हमने जो टमाटर वगैरह को थोड़ा सा इसको भुना हुआ था, पकाया हुआ था, इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसमें पानी मत डालिएगा अदरवाइज़ इसका टेक्स्चर ख़राब हो जाएगा। ये अच्छे से स्मूथली ग्राइंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं मैं इसका टेक्स्चर दिखा रही हूँ कि कितना गाढ़ा होना चाहिए। कढ़ाई का तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे, इसको भूनेंगे अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे करिएगा अदरवाइज़ मसाले जल्दी जलने लगेंगे तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। मीडियम फ्लेम में करने के बाद थोड़ी देर के बाद अब इसको लो फ्लेम में कर दीजिएगा ताकि अच्छे से मसाले भुन जाए हमारे। अब इस स्टेज में हमने जो ये मसाला रेडी किया हुआ था इसमें भर के 2 चम्मच डाल देंगे, और थोड़ा सा मसाला बच गया हुआ तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लीजिए। अब जितनी क्वांटिटी बना रही, मैंने 250 ग्राम के लगभग मैंने पनीर लिया हुआ था, 2 कैप्सिकम थे और 2 मेरे अनियन थे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे मसाले के लम से, उसको पहले से अच्छे से मिक्स करेंगे, चारों तरफ से घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे, अदरवाइज़ मसाले के जो लम्स बन जाएंगे फिर वो अच्छे से मेल्ट नहीं होंगे। मैंने इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी का यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें पानी ज़्यादा नहीं होता अदरवाइज़ वो होटल जैसा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए ये फोलने लगा है पानी,
हम इस स्टेज में अपने कैप्सिकम और अनियन को डालेंगे, शिमला मिर्च, प्याज, हम इन सबको इसी स्टेज में डाल देंगे। उसके बाद मैंने पनीर लिया हुआ है, पनीर को भी इसी स्टेज में हम डाल देंगे। ऑलरेडी सब ये सेलो फ्राई हो चुके थे तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस स्टेज में हम नमक डालेंगे। फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले भी नमक का यूज़ कर लिया था, टमाटर को सॉफ्ट करते समय हमने इसको डाला हुआ था, इसलिए अब थोड़ा सा ही नमक का यूज़ करिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए खोलने लगा है। अब इस स्टेज में मैंने धनिया को चॉप करके रखा हुआ था, इसको डाल देंगे। इसकी जगह आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश धनिया थी तो मैंने यूज़ कर लिया। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए मैंने इसको प्लेटिंग कर ली हुई है। कढ़ाई पनीर हमारी यम्मी यम्मी सी रेडी हो चुकी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने सोचा इसके साथ कुछ नया बनाते हैं, तो ये मैंने गार्लिक नान बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने भी अपनी वीडियो में अपलोड कर दी, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा। फेस्टिव सीजन चल ही रहा है तो आप घर में एक बार बनाइए, ट्राई करिए, देखिए नान कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और कढ़ाई पनीर के साथ खाएंगे तो बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आएगा, मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। फ्रेंड्स आप करवा चौथ भी आने वाला है, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, और दिवाली में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, घर पे बनाइए और यम्मी यम्मी सा एक्सपीरियंस मुझे अपना शेयर करिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को।